आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तुमने अब एक फलन f(x) दिया हुआ है जो 1 + b² / 2bx + 1 है। mb दिए हुए b के लिए f(x) का मान न्यूनतम है। तो मुझे mb का परिसर या रेंज बतानी क्या होता है। चलिए पहले मैं एक फलन मान लेता हूँ। एक फलन gx है जो एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि f(x) भी मेरा द्विघात समीकरण था तो मैं gx भी द्विघात समीकरण ही मानता हूँ। इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका न्यूनतम मान निकालूंगा, फिर उससे तुलना कर दूंगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, जी डैश एक्स निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा 2ax + b, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ऐसे x जो आएगा वो माइनस बी बटे 2 आएगा। और जी डबल डैश एक्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a अगर 0 से बड़ा होगा तो जी डबल डैश एक्स भी 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे फिर ये न्यूनतम की कंडीशन होती है। अब ये तो न्यूनतम की कंडीशन तो मैंने देख ली, पर न्यूनतम कितना मान इसका न्यूनतम होता है वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो जी एक्स जी डैश एक्स करने पे एक्स का मान जो माइनस बी बटे 2 आया था वो मैं जी एक्स में रख देता हूँ। जैसे जी एक्स का जो न्यूनतम मान हो जाएगा वो 1 बुढ़े माइनस बी रखूंगा एक्स की जगह पे, तो बी स्क्वायर बटे 4 हो जाए, ए स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस बी स्क्वायर बटे 2 है और ये प्लस सी। जब इसको हल करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी बटे 4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस से बाहर लूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी हो जाएगा बटे 4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखूँ तो ये तो ए से कट जाएगा, तो माइनस डी बटे 4 ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना है, माइनस डी बटे 4 ए। तो अब तो हमें न्यूनतम मान पता चल गया। अब मैं एफ एक्स फलन लिख लेता हूँ, वो कितना है, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं इस फलन की और gx की तुलना करूंगा तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि gx का जो a है वो इसके 1 प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, gx का जो b है वो इसके 2b के बराबर है, और gx का जो c है वो इसके 1 के बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, चूंकि यहाँ पे a जो होगा वो हमेशा ही जो होगा, मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर जो होगा, यहाँ से जो इसका 1 प्लस बी स्क्वायर होगा वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, या क्योंकि b जो होगा वो न्यूनतम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसलिए तो यहाँ से ये तो न्यूनतम हो जाएगा, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। पर अभी देखते हैं यहाँ पे इसका न्यूनतम मान कितना होगा। तो न्यूनतम मान मैंने बता रखा है कि न्यूनतम मान जो होता है वो कितना होता है, न्यूनतम मान होता है माइनस डी बटे 4 ए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम बी बराबर हो जाएगा माइनस डी कितना है, बी स्क्वायर मतलब 2 बी स्क्वायर मतलब 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है, 1 प्लस बी स्क्वायर, और सी कितना है, 1 है, तो उससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 4 ए होता है तो 4 गुणे 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखूंगा तो बी स्क्वायर, ये 4 बी स्क्वायर 4 स्क्वायर कट जाएगा और 4 बार आएगा तो प्लस का आएगा, तो ये 1 बटे 1 प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं वाई के बराबर मान लेता हूँ। तो माना ये वाई बराबर है 1 बटे 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको जब हल करूंगा तो ये वाई प्लस वाई बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से देखूंगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई बटे वाई के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बी स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होगा। जैसे 1 माइनस वाई बटे वाई जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर हो सकता है। इसको वाई से गुणा करता हूँ एक बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। अब अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर लूंगा तो ये वाई 1 माइनस वाई, इसको वाई माइनस 1 करूंगा अगर, तो ये जो अस्मिका है वो बदल जाएगी। अब मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये 0 रखूंगा, ये 1 रखूंगा, तो यहाँ तो धनात्मक रहेगा, यहाँ ऋणात्मक या धनात्मक, मतलब यहाँ छोटा रहेगा, ये माइनस साइन मतलब छोटा बताता है। तो यहाँ 0 से 1 तक ये जो होगी ये सही हो जाएगी अस्मिका। ये वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। और यहाँ पे वाई जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता हूँ, तो पर यहाँ पे 1 के बराबर तो हो सकता है। 0 के बराबर क्यों नहीं सकता, क्योंकि 1 माइनस वाई बटे 0 ये हो जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये 1 बटे 1 प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो, और एम बी जो था मेरा यही फलन था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एम बी का जो परिसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 से 1। तो मैं उत्तर में देख लेता हूँ तो ये 0 से 1 हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।